नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। जबलपुर में गुरुवार की शाम को जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में पदस्थ सेना के जवान जितेंद्र सिंह और उनकी पत्नी सरबजीत कौर ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शाम को जब उनके घर का दरवाजा नहीं खुला तब उनके पड़ोसियों ने पतासाजी की और दरवाजा तोड़कर जब अंदर पहुंचे तो पति और पत्नी फांसी के फंदे पर झूलते हुए नजर आए। कैंट थाना अंतर्गत जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में पदस्थ जितेंद्र सिंह के 3 महीने के बेटे का सुबह ही बीमारी की वजह से निधन हुआ था। तभी से पति पत्नी गहरे दुख में थे। पड़ोसियों ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की लेकिन बच्चे की अंत्येष्टि के बाद भी पति पत्नी का दुख कम नहीं हुआ। माना जा रहा है कि शायद इसी वजह से दोनों ने एक साथ फांसी लगाकर आत्महत्या की है। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मामले की कैंट थाना पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची कैंट थाना पुलिस ने दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। एएसपी संजीव उइके ने बताया कि सुसाइड नोट बरामद हुआ है। कैंट थाने में एक दुखद घटना हुई है। एक जितेंद्र सिंह हैं जो जैक राइफल के जवान हैं, उनका परिवार था। आज उनका 3 साल का बेटा ख़त्म हो गया था। घर में पति पत्नी दोनों थे। पड़ोसी करीब 1:30 बजे उनको खाना देने गया था। उसके बाद 5 बजे फिर वो देखने के लिए गया तो दरवाज़ा अंदर से बंद थे। उनने प्रयास करके और लोगों को बुला करके प्रयास करके दरवाज़ा खुलवाया तो दोनों पति पत्नी मृत अवस्था में थे। मर्ग कायम करके जांच कर रहे हैं, उसमें पीएम रिपोर्ट के बाद ही बता पाएंगे कि क्या स्थिति है। कहाँ पदस्थ थे? हाँ जी, कहाँ पदस्थ थे? जैक राइफल में, जबलपुर के। जबलपुर में। भैया पत्नी का क्या नाम? उनका नाम था सरबजीत कौर। हाँ,